सब्सक्राइब करें हमारे जीके इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, जीके इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपको स्वागत है। आज हमारे पास एक नॉन ब्रांड एलईडी टीवी आया है जिसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि इसमें डिस्प्ले पर आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो चलिए एक बार चेक करते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम लोग पावर ऑन करते हैं। ये देखिए, पावर ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको स्टैंड बाई लाइट जो है दिखाई दे रही है। इसके बाद हम ऑन ऑफ की सहायता से ऑन ऑफ रिलीज़ करेंगे। देखेंगे स्टैंड बाई लाइट रिलीज़ होने के बाद आप यहाँ देखें डिस्प्ले की तरफ। देखिए आप यहाँ पर इसमें जो है बहुत लाइट जो है सोनी लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी बैकलाइट जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। मे बी हो सकता है कि बैकलाइट स्ट्रिप ख़राब हो चुकी है या बैकलाइट कार्ड से या बैकलाइट सेक्शन से कोई प्रॉब्लम इसके अंदर हो सकती है। तो चलिए एक बार इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप ओपन करके चेक करते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए इसे एक बार ओपन करते हैं, फिर देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। देखिए अब इसका फ्रेम जो है हम लोग इजीली देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं और इस तरीके से, और जहाँ से भी ये फ्रेम आपको नहीं निकलता है वहाँ से आप इस तरह के मार्केट में ओपनर आते हैं, उन ओपनर की सहायता से इंसर्ट करेंगे ओपनर को बैक साइड से और वो इस तरीके से इसको रिमूव कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से इजीली आप ओपनर की सहायता से फ्रेम को आउट कर सकते हैं। देखिए इस ओपनर की सहायता से इजीली फ्रेम आउट कर सकते हैं आप। ये इसका फ्रेम जो है आउट हो चुका है। आप देख सकते हैं साइड से कोई स्क्रू वगैरह तो नहीं है, कोई पैकिंग कोई पत्ती वगैरह तो नहीं है, कि सब कुछ जो है क्लियर है। अब इस पैनल को आपको इजीली या तो वैक्यूम पंप की सहायता से आप उठा सकते हैं, यदि आपको प्रैक्टिस है तो आप अपने हाथों से भी उठा सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि ये जो स्केलर पीसीबी है ये बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, या फिर आपको इसको हल्की टेप की सहायता से इसे बैक साइड आप बैंड भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बार बार मूव होने से जो आपकी कॉफ जो है डैमेज हो सकती है। तो इसे हम लोग इसी की टेप की सहायता से एक बार फिक्स कर देंगे। इसके बाद जिस जगह पर आपको इस पैनल को रखना है वहाँ पर आप प्रॉपर क्लीनिंग कर लेंगे, कोई स्क्रू वगैरह या कोई डस्ट वहाँ पर नहीं होनी चाहिए जिससे ये प्रॉपर सेफ रहे। तो हम भी थोड़ी जगह कर लेते हैं इसके लिए। इसके बाद आपको, क्योंकि ग्लव्स यहाँ प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो आपको अपने हाथों से इसको उठाना होगा। जैसी आपको प्रैक्टिस रहती है आप वैक्यूम पंप की सहायता से भी सेंटर में दो वैक्यूम पंप लगा के भी इसको जो है आप इजीली ओपन कर सकते हैं। सिंपली हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं जिसकी सहायता से आप 32 इंच तक के पैनल को ईजिली बिना किसी की सहायता से आप ईजिली ओपन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ देखना है फर्स्ट फिंगर का फर्स्ट नेल्स जो आपका नाखून है उसको आपको इन करना है दोनों साइड से, और उसके बाद आपको सेकंड फिंगर को इसमें इन करना है, और आपको जो अपना हाथ है वो सेंटर तक लेके जाना है पैनल के सेंटर तक। उसके बाद जब आपके हाथ लगभग सेंटर में पहुँच जाएँ तो आपको ऊपर की तरफ इस तरह प्रेस करना है और ये पैनल आपका सिंपली रिमूव हो जाएगा। और इस तरीके से आप इसे जो भी आपके पास सेफ जगह है वहाँ पर आप इसे रख सकते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं प्रॉपर बिल्कुल एकदम फ्लैट जगह पे हमने इसे रखा हुआ है, और इस तरह आप इसे ग्लास पर ही रखें जिससे इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलिए तो अब एक बार हम अपनी बैकलाइट की तरफ चलते हैं। चलिए इसका एक और जो फ्रेम है इसको हम लोग आउट करते हैं।
और ये फ्रेम जो है आउट हो चुका है। इसके नीचे आपको बैकलाइट रिफ्लेक्टर मिलेंगे। आप जो है जितने भी शीट इसके अंदर हैं दो या तीन, उनको आप एक ही साथ उठाइए और उनको भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आप रख दीजिए, जिससे आपको वापस लगाने में दिक्कत ना हो। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर जो बैकलाइट लगी है उनकी क्या स्थिति है। तो आप पहले काउंट कर लीजिए कितनी एलईडी इसके अंदर लगी हुई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी टोटल 12 एलईडी इसके अंदर लगी हुई है। अब हम चेक करेंगे एक एलईडी का लोड क्या है, जिससे हमें पता लगेगा कि कंप्लीट इस जो एलईडी पैकेज है इसका फाइनल लोड क्या रहेगा। इसके बाद इसके हम लोग जो वाइट पेपर है, जो रिफ्लेक्टर है, इसको भी रिमूव करेंगे और देखेंगे अंदर किस तरह इसके बाकी कनेक्शन हैं। इसके बाद हम इस वाइट पेपर को भी थोड़ा सावधानी से निकालेंगे, क्योंकि ये भी कभी कभी जो है बैक साइड में ग्लू के साथ चिपका हुआ होता है। देखते हैं डबल टेप की सहायता से इसको चिपकाया हुआ है। और इसको भी आप सेम डायरेक्शन में रख दीजिए, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। उसके बाद हम लोग जो है एलईडी का लोड चेक करेंगे, एक एलईडी हमारी कितने वोल्ट की है। तो उसके लिए हमें बैकलाइट टेस्टर की आवश्यकता होगी। चलिए देखते हैं पहले एक एलईडी का लोड क्या है। देखिए ये हमारी एक एलईडी जो है 6 वोल्ट की है, तो इसका मतलब ये कि ये बाकी सभी भी जो हैं 6 वोल्ट की एलईडी हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारी कौन कौन सी एलईडी सही है और कौन कौन सी ख़राब हैं। तो जैसे कि आपने देखा ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ओके ओके। अब इधर चेक करते हैं सेकंड रो में, ओके 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 ओके, ये देख सकते हैं ये लोड नहीं ले रही है, ये एलईडी ओपन हो चुकी है। और ये भी ठीक है। तो मीन्स ये एलईडी ख़राब है, मतलब पूरी स्ट्रिप ख़राब है। और मेरा मानना ऐसा है कि आप एक स्ट्रिप ना बदल के दोनों स्ट्रिप चेंज कर दीजिए। मार्केट में बहुत सारे टेक्नीशियन हैं जो सिंगल एलईडी को चेंज करके भी बैकलाइट को चालू कर देते हैं, लेकिन वो कुछ समय बाद फिर रिपीट होती है, तो आपको पूरा ही चेंज करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारे पास जितनी भी एलईडी स्ट्रिप हैं वो सारी 3 वोल्ट के अंदर हैं, 3 वोल्ट के अंदर है, तो अभी हमारे पास इसकी स्ट्रिप नहीं है। तो इस वीडियो को हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, मार्केट से इसकी जेन्युइन एलईडी मंगाएंगे हम लोग जो 6 वोल्ट में रहेगी, सेम साइज़ की हम लोग इसके अंदर लगाएंगे। हमारा मानना है कि आप ओरिजिनल ही सेट को रिपेयर करें और जो इसकी प्रॉपर 6 वोल्ट और जितनी एलईडी इसके अंदर लगी हैं वही मैचिंग करके आप इसके अंदर लगाएं। तो इस वीडियो को हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कल ये एलईडी स्ट्रिप हमारे पास थी नहीं, आज हमने इन्हें मार्केट से अरेंज करके लगा दिया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये 6 वोल्ट की एलईडी है और इसकी जो पुरानी दो स्ट्रिप थी वही है। सिर्फ एक एलईडी ख़राब थी, लेकिन हमने इसको कम्प्लीटली सेटअप चेंज कर दिया है। और एक बार हम इसको फिट करके इसके प्रॉपर जो है वोल्टेज भी मेज़र कर लेते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं है, और आप बैकलाइट टेस्टर की सहायता से इसका लोड भी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो सिंगल एलईडी का जो है 6 वोल्ट का लोड है, मतलब ये एलईडी जो है 6 वाट में है और यहाँ लिखा भी हुआ है। बाकी इसी हिसाब से चेक करेंगे और अभी इसको हम लोग टीवी को ऑन करके देख लेंगे कि प्रॉपर जो है सारी एलईडी ग्लो कर रही हैं नहीं कर रही हैं। तो चलिए एक बार हम लोग पावर इन करते हैं और देखते हैं कि एलईडी प्रॉपर ग्लो कर रही नहीं कर रही। पावर ऑन हमने कर दिया है और हम ऑन ऑफ की सहायता से ऑन करते हैं। देख सकते हैं सारी एलईडी प्रॉपर ग्लो कर रही हैं और ये सेटअप हमारा ठीक हो चुका है। इसे ऑफ़ कर देंगे और इसके बाद जो इसके जितने भी पेपर और रिफ्लेक्टर हैं उन्हें हम फिट करके आपको दिखाते हैं। बेसिकली कुछ इसमें हमें जो है थोड़ी सी एडजस्टमेंट करना हुआ, कुछ पेपर हमें कट करना हुआ, तो प्रॉपर कटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं फाइनल फिटिंग इसकी किस प्रकार होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो एक्स्ट्रा पेपर था वो हमने कट कर दिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको नई स्ट्रिप के साथ करना ही पड़ेगा। इसके बाद हम इसका जो रिफ्लेक्टर है, फ्रंट रिफ्लेक्टर है, उनको हम लोग लगाकर एक बार प्रॉपर हम चेक करेंगे कि सारी जो है हमारी लाइटें प्रॉपर रोशनी सभी एंगल में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर पा रही हैं नहीं कर पा रही हैं, कोई स्पॉट वगैरह तो नहीं आ रहा है। उसके बाद ही फाइनल हम पैनल लगा के पैक करेंगे। तो चलिए एक बार इसकी लाइट को हम प्रॉपर चेक कर लेते हैं कि ये सभी डायरेक्शन में प्रॉपर है नहीं। तो पावर ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं ये
सभी जगह इक्वल है बिल्कुल। बाकी कैमरे में हो सकता है थोड़ा आपको अलग दिखाई दे और कोई स्पॉट वगैरह इसमें शो नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग फाइनल पैनल पैक करके फिर आपको दिखाते हैं फाइनल क्या कंडीशन है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फाइनली हमने इसकी जो साइड बीडिंग है वो लगा दी है और इसके बाद हम पैनल को किस तरह इसके ऊपर जो है पेस्ट करेंगे वो आपको बताते हैं। जैसे हमने आपको निकालना बताया था सेफली, उसी तरीके से आपको हम लोग लगाना ही बताते हैं, क्योंकि जो बिगनर है उनको थोड़ी दिक्कत आती है पैनल के अंदर काम करने में। तो आप देख सकते हैं पैनल को किस तरह आप हमें उठाना होता है। तो मेन काम जो है पैनल को उठाना है, आप देखिए एक बार ज़रा, ये हमारे पास पैनल है। वैक्यूम पंप की सहायता से भी आप इसे उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप सिंपली अपने नाखून की सहायता से भी इसे उठा सकते हैं। इस तरीके से आपको दोनों साइड से अपने जो है नाखून इन करने हैं और फिर फिंगर को अंदर की तरफ ले जाते हुए आपको पैनल इस तरह सेफली उठाना है और सिंपली आपको इधर फिट करना है। इसके बाद आप इसका जो भी एंगल है वो सेट कर लीजिए, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन। पैनल बिल्कुल फ्रेम के अंदर एकदम फिट हो जाना चाहिए, किसी भी साइड से इसको ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं अपनी फिंगर से ऐसे महसूस कर सकते हैं कि पैनल जो है कहीं से भी उठा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप इस स्केलर पीसीबी को फ्री कर देंगे जो हमने पहले चिपकाया हुआ था, ठीक है सर। उसके बाद जो ये टेप यहाँ देख सकते हैं आप, इसको आप दोबारा से पेस्ट कर देंगे। अगर आपके पास नई टेप है तो आप नई टेप भी लगा सकते हैं, जो कि थोड़ा सा ये पैनल को होल्ड करने के काम में आती है। डस्ट की वजह से इसकी जो टेप जो है थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, लेकिन आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप देख सकते हैं पैनल आपका किसी भी सिरे से उठा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये इसकी जो सबसे ऊपरी पैकिंग है इसको भी आपको लगाना होगा। देखिए आप पहले नीचे से फिट कर लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे इसको प्रेस करेंगे और ये फिट हो जाएगा। देख सकते हैं आप ये प्रॉपर जो है फिट हो चुकी है। और आप इसे बेहतर देखने के लिए कि ये प्रॉपर लगी है या नहीं लगी है, तो आप इसे बैक साइड से आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये जो लाइन है एकदम एक्यूरेट आनी चाहिए, थोड़ा सा भी आगे पीछे है तो इसका मतलब आपकी जो फ्रंट की जो बेडिंग है वो प्रॉपर नहीं लग पाई है। तो ये प्रॉपर लग चुकी है। उसके बाद इसके जो स्क्रू हमने यहाँ से ओपन किए थे वो भी हम फिट कर देते हैं और उसके बाद आपको फाइनली डिस्प्ले दिखाते हैं क्या कंडीशन है। तो सभी स्क्रू हमने इसमें कस ली हैं। उसके बाद ये LVDS केबल जो है हम लोग लगा देंगे और एक बार जो है डिस्प्ले हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉपर हमारी डिस्प्ले आ रही है या नहीं आ रही है। तो पावर इन करते हैं और उसके बाद ये ऑन ऑफ की कमांड देते हैं हम लोग। देख सकते हैं आप यहाँ से लाइट जो है आपको दिखाई दे रही होगी और एक बार जो है हम इसका डिस्प्ले भी चेक कर लेते हैं कि वो प्रॉपर है या नहीं। आप देख सकते हैं नो सिग्नल लिखा रहा है, प्रॉपर डिस्प्ले आ रहा है। एक बार मेन्यू बटन भी दबा के देख लेते हैं। देखिए ये परफेक्टली टीवी हमारा ठीक हो चुका है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। यदि आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके ट्रेनिंग की जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 8958878787।